नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल स्टॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड। अगर इस कंपनी की बात करें तो कंपनी में काफ़ी भारी करेक्शन आपको देखने को मिला है और यह कंपनी आज से फिर से भागना स्टार्ट कर चुका है। तो क्या ऐसे में इस कंपनी को बाई करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए या फिर अभी थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए? तो कंपनी अगर थोड़ा और ऊपर जाती है तब हमें बाई करना चाहिए, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, कोई भी पार्ट मिस न करें और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप देखेंगे यह कंपनी क्लोज हुआ 174.55 रुपये पे और इसमें लगभग 4% की ग्रोथ आपको देखने को मिला है। अगर आज के डिलीवरी की बात करें तो कुछ खास डिलीवरी का डेटा आपको देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि 23% के आसपास की डिलीवरी उठाई गई है। तो देखते हैं इस कंपनी का चार्ट क्या कहता है। दोस्तों अगर इस कंपनी के शॉर्ट टर्म के चार्ट की बात करें तो आप देखेंगे जिस हिसाब से इसने अपना सपोर्ट लेवल तोड़कर उसके नीचे आकर यह कंपनी सपोर्ट लेकर बाउंस बैक किया, जो कि काफी अच्छी बात है क्योंकि यानी कि इस कंपनी ने एक नया सपोर्ट लेवल भी बना लिया है। अगर यह कंपनी अप डाउन जाती है तो आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना चाहिए इस कंपनी के सपोर्ट लेवल पे ही, यानी कि 165 रुपए के पास में स्टॉप लॉस लगाकर आपको आगे के लिए कंटिन्यू करना है। आपका जो पहला टारगेट होगा वो होगा 190 रुपए का। कंपनी अगर उसके ऊपर निकलता है तो फिर आपको 207 रुपए से लेकर 210 रुपए तक का टारगेट देखने को मिल जाएगा शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म वाले बने रहे, आप चाहे तो अगर आपने ऊपर प्राइस पे इस कंपनी को बाई कर रखा है तो इस कंपनी को आप एवरेज भी कर सकते हैं क्योंकि यह कंपनी काफी ज्यादा करेक्ट हो चुका है, लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा खासा रिटर्न बनाकर दे जाएगा। तो आपको पैनिक नहीं करना चाहिए बल्कि इस कंपनी को बाई करके चलना चाहिए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।